नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में पहले जो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब कितनी है टोटल, तो अब कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके कि अनुसूचियों के बारे में, पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, 12 अनुसूची में किस तरह के मैटर हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो जो पहली हमारी अनुसूची है उसमें क्या है, केंद्र और राज्य के बारे में, केंद्र राज्य के बारे में दिया गया, केंद्र और राज्य के बारे में दिया गया, मतलब उसके क्षेत्र के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके क्षेत्र राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। दूसरा है, दूसरा अनुसूची हमारी है, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है उच्च पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन से संबंधित। उच्च पदाधिकारी कौन, उच्च पदाधिकारी का मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक, राज्यसभा सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, तो ये सब किस में है, तो अनुसूची नंबर दूसरे में दिए गए हैं। तीसरे में हम देखते हैं क्या है, जो उच्च पदाधिकारी, जब जो हमने अभी बताया उच्च पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है। शपथ किससे संबंधित है, तो शपथ से संबंधित है, ये इनके वेतन और पेंशन से, ये इसके शपथ से संबंधित है। आते हैं चौथे पर, चौथा अनुसूची किससे संबंधित है, चौथी अनुसूची में राज्यों में राज्यसभा के सीटों से आवंटन से संबंधित है, मतलब किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, ये चौथी अनुसूची में दिया गया, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची क्या है, तो पांचवी अनुसूची में दिया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति होंगे, इनके लिए प्रावधान किया गया है, किस अनुसूची में, अनुसूची नंबर पाँच में। अब देखते हैं अनुसूची हमारी अगली अनुसूची कौन, अनुसूची छः, इस अनुसूची में क्या दिया गया है, तो अनुसूची छः में दिया गया है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बात की गई है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के। सातवें पर है, सातवें अनुसूची में क्या है, तो सातवें अनुसूची में जो हमारा शक्तियों का विभाजन सरकार की, मीन्स इसमें केंद्र राज्य और समवर्ती, मतलब जिसमें केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है, इसमें राज्य सरकार, इसमें दोनों लोग बना सकते हैं। तो केंद्र वाले में कितने कुल मैटर इस समय है, तो केंद्र में कुल इस समय कितने हैं, तो केंद्र में इस समय कुल 100 हैं, केंद्र में कितने हैं, 100 हैं, राज्यसभा में 61 हैं, और इसमें कितने हैं, तो 47 हैं, तो केंद्र में 100 मैटर दिए गए हैं, राज्य में 61 हैं और समवर्ती में 47 इतने मैटर दिए गए, मतलब इस पर ये लोग कानून बना सकते हैं। तो शक्तियों का विभाजन किस में है, तो शक्तियों का विभाजन अनुसूची नंबर 7 में दिया गया, किस अनुसूची में दिया गया, तो 7 में दिया गया है। अब अनुसूची नंबर 8 देखते हैं, अनुसूची आठ में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 जो भाषाएं हैं वो किस में है, तो 22 भाषाएं दी गई हैं, किस में दी गई हैं, तो अनुसूची आठ में दी गई हैं। अब देखते हैं नौ अनुसूची में कौन है, तो नौवीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। ये कौन सी अनुसूची है, तो नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि अधिग्रहण से है। फिर हम देखते हैं अपनी दसवीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। और अब देखते हैं ग्यारहवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो पंचायती राज, मीन्स जो ग्राम पंचायतें होंगी उनका कार्य क्या होगा, उनका उत्तरदायित्व क्या होगा, प्राधिकार क्या होगा, ये किस में है, तो अनुच्छेद नंबर 11 में है।
21 अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो कहने का मतलब ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको क्या किया गया, इस अनुसूची में जोड़ा गया। 12वां अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर के नगर नगर में शहरी क्षेत्र से संबंधित है। शहरी क्षेत्र में इसमें इसके प्राधिकार क्या हैं, उसका उत्तरदायित्व तो क्या है, ये सब किसमें है, तो अनुसूची 12 में दिया गया, अनुसूची 12 में दिया गया है, अनुसूची 12 में दिया गया है। तो इस तरह से हम 1 से लेकर के 12 अनुसूची क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये भी वो भी क्या, एकदम 2 या 3 मिनट के अंदर में, 2 या 3 मिनट के अंदर में हम इसको क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। और इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको याद करने के लिए हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, केंद्र और राज्य के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है क्या कि जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन और पेंशन से संबंधित दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया है, जो उच्च अधिकारी हैं उनके क्या है, उनके शपथ से संबंधित है। और चौथी अनुसूची में दिया गया है, चौथी अनुसूची में किससे संबंधित है, चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नियमों से संबंधित है। और छठी अनुसूची जो है किससे संबंधित है, तो असम मेघालय त्रिपुरा और त्रिपुरा इनके जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। और सातवीं अनुसूची क्या है, सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया, तो उनके शक्तियों का विभाजन दिया गया, केंद्र के पास कितने मैटर हैं, राज्य के पास और समवर्ती सूची में कितने हैं। फिर आठवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो आठवीं में अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, क्या किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और नवीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। दसवीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची जो है ग्रामीण क्षेत्र के पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो नगर क्षेत्र के पंचायतों से नगर क्षेत्र के पंचायतों से संबंधित है, नगर क्षेत्र के पंचायतों से संबंधित हो। तो इस प्रकार हम इसको इजीली वे में याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।